और चलिए अब आपको बता देते हैं अगली बड़ी खबर राजस्थान विधानसभा चुनावों से जुड़ी। बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी सूची को लेकर दिल्ली में सरगर्मियां तेज हो गई है। 15 अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। टिकट दावेदार दिल्ली में लॉबिंग कर रहे हैं। आपको बता दें पहली सूची जारी हो चुकी है और दूसरी सूची जारी होने से पहले दिल्ली में सरगर्मियां तेज हो गई है। 15 अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसके बाद में उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगेगी और टिकट दावेदार जो है दिल्ली में लॉबिंग में जुट गए हैं, अपना समर्थन जुटा रहे हैं, टिकट की मांग कर रहे हैं। और देखने वाली बात ये होगी क्योंकि पहली टिकट की सूची है जारी होने के बाद में असहजता देखने को मिली है, तनाव देखने को मिला है तमाम कार्यकर्ताओं में, तमाम समर्थकों में, जब उनके प्रतिनिधि को टिकट नहीं मिली या कईयों के टिकट काट दिए गए। अब बीजेपी जो है दूसरी सूची जारी करने से पहले एक बैठक करेगी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसके बाद उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगेगी। 15 अक्टूबर को ये मीटिंग होगी और आपको बता दें टिकट के कई दावेदार दिल्ली में लॉबिंग कर रहे हैं, समर्थन जुटा रहे हैं, टिकट पर अपनी दावेदारी बता रहे हैं। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे दिल्ली से ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राजीव, एक बार फिर से अहम बैठक होने जा रही है दूसरी सूची के सामने आने से पहले, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और लगातार जो है उम्मीदवारों के नाम पे मंथन किया जा रहा है। 14 तारीख को जो है कोर कमेटी की बैठक होगी दिल्ली में, राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की। उसके बाद 15 तारीख को सीईसी की बैठक होगी जिसमें दूसरी सूची के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम को फाइनल किया जाएगा। राजीव, हमने देखा था कि पहली सूची आने के बाद में थोड़ा सा तनावपूर्ण हो गया था माहौल, कहीं पर समर्थक जो है वो नाराज हो गए थे, कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। अब जब ये मीटिंग होने जा रही है इसमें किस तरह से जो है लिस्ट को बनाया जाएगा, कैसे उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी? बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए पहली लिस्ट जारी हुई है, उसके बाद कई टिकट के जो दावेदार थे वो नाराज हैं और विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, रणनीतिकार हैं, उनका कहना है कि समय के साथ इनको मना लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनाव कैसे जीता जाए इसको ध्यान में रखते हुए सतीश भाई उम्मीदवारों के नाम को फाइनल कर दिया है। और यही वजह है कि पहली लिस्ट में देखिए 7 बीजेपी सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दूसरी लिस्ट में भी बहुत सी ऐसी बातें सामने आएंगी जिसको लेकर कई जो टिकट के दावेदार हैं वो नाराज होकर, लेकिन पार्टी इस बात तय की है कि चुनावी मैदान में उसे ही उम्मीद उतारा जाएगा जो पार्टी को जीत दिला सके। यही पैमाना है भारतीय जनता पार्टी का। और 14 तारीख को जब दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक होगी, राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, उसमें लगभग सारे नाम कर लिए जाएंगे। और 15 तारीख को सीईसी होगी जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और सीसी के सभी मेंबर, राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप के लोग मौजूद रहेंगे। उनके नाम के सामने जो है नामों को फाइनल किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बार भी जो है कई सांसदों को दूसरी लिस्ट में भी नाम उनका सामने आ सकता है, इसकी संभावना जताई जा रही है। लगभग दो दर्जन सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने की बात सामने आ रही है, जिसमें देखिए 7 सांसदों को भेजा जा चुका है चुनावी मैदान में। अब दूसरी लिस्ट में कितने लोगों का नाम शामिल किया जाता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल। और राजीव, कई टिकट के दावेदार जो है दिल्ली पहुंच चुके, दिल्ली में लॉबिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने समर्थकों की भीड़ जुटा रहे हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी उम्मीद है सेकेंड सूची में नाम आने की? देखिए बिल्कुल, अभी जो संभावना जताई जा रही है, जो इस बार बात देखिए जो राजस्थान है, जो मध्य प्रदेश का फार्मूला है उसको इंप्लीमेंट करने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। और अभी जो केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय मंत्री का नाम लगभग फाइनल कर लिया गया है कि किस केंद्रीय मंत्री को कहां से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा राजस्थान विधानसभा चुनाव में। जैसा कि नाम सामने आ रहा है गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, इन्हें भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। कैलाश चौधरी जो कृषि राज्य मंत्री, इन्हें भी उतारा जा सकता है। अर्जुन राम मेघवाल के नाम पे भी चर्चा है, हालांकि अभी अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया है कि चुनाव मैदान में जाना चाहते कि नहीं, क्योंकि देखिए नेताओं के ऊपर बड़ा दबाव है, सभी लोगों को ये जिम्मेदारी दी जा रही है जो सांसद है और केंद्रीय मंत्री है कि वो अपनी विधानसभा सीट को तो जीतेंगे ही, जो अगल बगल के विधानसभा सीट है उनके लोकसभा क्षेत्र में जो सीटें हैं उनको भी वो जिताने के लिए अपनी बातों को सुनिश्चित करें और इसी जिम्मेदारी में, ये तमाम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और अभी भी बहुत से ऐसे सांसद का नाम आ रहा है
ये चुनावी मैदान में भेज सकती है पार्टी। तो लगातार मंथन चल रहा है और कहा जा सकता है कि दो दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है दिल्ली में राजस्थान को लेकर, 14 तारीख और 15 तारीख, क्योंकि 14 तारीख को जो बैठक होगी कोर कमेटी की, उसमें क्या कितने सांसदों को भेजा जाएगा, कौन से उससे जीत पार्टी के जीताऊ उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, उनको उतारा जाएगा। बहुत से ऐसे विधायक हैं जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, जो बहुत कम मतों से जीत सुनिश्चित की थी पिछली बार, उनका टिकट कटने की संभावना जताई जा रही है। तो तमाम चीजों को लेकर के कहा जा सकता है मंथन चल रहा है जयपुर से और दिल्ली तक, और आने वाले समय में जी, जो बिल्कुल जो राजीव, देखने वाली बात ये होगी कि इस महामंथन का क्या नतीजा लिखता है, क्या निकलता है और कौन कौन से जो बड़े नाम है दूसरी सूची में देखने को मिलते हैं। तमाम जानकारी के लिए राजीव बहुत बहुत धन्यवाद।